ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ काओ घी। बैद्यनाथ काओ घी विश्वास माँ का आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार पंचतंत्र को सुधारने में लाभकारी। अगर सब कुछ कांग्रेस की प्लानिंग से चला तो राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का सीजन 2 लेकर आ सकते हैं। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के संकेत दिए हैं, उसे भारत जोड़ो 2.0 नाम दिया गया है। खबर है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी से एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने का अनुरोध किया है। पहली यात्रा दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर की तरफ गई थी। इस बार कहा जा रहा है कि यात्रा पूरब से पश्चिम का रुख करेगी। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति, विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन और संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन समेत बाकी मुद्दों पर चर्चा की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें पूरे भारत के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से राय मिल रही है कि उन्हें पूरब से पश्चिम तक दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। यात्रा पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बारे में जानकारी दी। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे, 2024 का संसदीय चुनाव और संसदीय मुद्दों समेत देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो समिति की घोषणा अगले 1-2 दिन में कर दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको यहां यह भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ था और 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में खत्म हुआ था। लगभग 4,080 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा में तय की गई थी। ये यात्रा 126 दिनों में 12 राज्यों के 75 जिलों से होकर गुजरी थी। ये भारत की सबसे लंबी पद यात्राओं में से एक मानी जाती है। कांग्रेस ने दावा किया था कि कर्नाटक में हुई उनकी जीत भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है। कहा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में जिन इलाकों से निकली वहां की 20 विधानसभा सीटों में से 15 पर कांग्रेस आगे रही। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए 21 दिन कर्नाटक में बिताए थे। इस दौरान वो चामराजनगर, मैसूर, मांड्या, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुमकुरु व रायचूर जिले से होकर गुजरे थे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। आपकी तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी ज्योति ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल टॉप। शुक्रिया।